आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अरुण जेटली के निधन के बाद एम्स से उनके पार्थिव देह को उनके आवास ले जाया गया, जहां जेटली के प्रशंसकों ने उनके अंतिम दर्शन किए। रविवार उनकी देह को भाजपा मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। अरुण जेटली का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर किया जाएगा। जेटली 9 अगस्त से एम्स में भर्ती थे और लगातार उनकी हालत गिरती जा रही थी। ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और एक के बाद एक बड़े नेताओं का उनसे मिलने का सिलसिला जारी था। जेटली के निधन की खबर मिलने के बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य नेता एम्स पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था कि उस समय उनके पास जाया जाता, लेकिन फिर भी हम किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि खुद जेटली जी के लिए नहीं, देश के लिए जेटली जी रह सके। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शुक्रवार को ही एम्स पहुंचकर जेटली के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत विभिन्न दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य लोग एम्स पहुंचकर उनकी तबीयत की जानकारी ले चुके थे। सितंबर 2014 में वजन कम करने के लिए मैक्स अस्पताल में उनकी बेरियाट्रिक सर्जरी की गई थी। इसके बाद पिछले साल उन्हें किडनी की बीमारी की बात सामने आई थी। यह वजह से मई 2018 में एम्स में उनकी किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी भी हुई। इसके बाद कुछ महीने उन्हें सॉफ्ट टिश्यू कैंसर होने का मामला सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील रहे अरुण जेटली अपने राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली ने बतौर वित्त मंत्री जिम्मेदारी संभाली थी। देश में जीएसटी भी जेटली के कार्यकाल के दौरान ही किया गया था। जेटली ने साल 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। पिछले लगभग 3 दशक से वे पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए थे। 1999 में लोकसभा चुनाव के पहले जेटली को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी का सामयिक निधन हो गया। मैं कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी कल्चर अपनी तरफ से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही संजीदा से अपने कर्तव्यों को निभाया और मैं समझता हूँ कि बहुत से फैसले राष्ट्र निर्माण में उनके समय बहुत अच्छे हुए थे और पिछला उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी और मैं समझता हूँ उन्होंने चुनाव नहीं लड़े। मैं ऐसे नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँ अपने श्री चरणों में स्थान दें। अरुण जेटली ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया था। छात्र रूप में अपने करियर के दौरान उन्हें कई सम्मान भी मिले। साल 1974 में वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। वहीं अटल सरकार ने 1999 में ही उन्हें सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। साल 2000 में राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद अरुण जेटली को कानून, न्याय और कंपनी मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। राजग सरकार हटने के बाद उन्हें पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी भी दी थी। पार्टी के वन मैन वन पोस्ट नियम के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर जेटली के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली जी किसी भी महत्वपूर्ण काम को बड़ी ही शिष्टता और जुनून और अध्ययन के साथ पूरा कर देते थे। उनका जाना एक गहरा शून्य छोड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएई दौरे के बीच अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली जी एक राजनीतिक दिग्गज थे जो बौद्धिक और कानूनी रूप से जीवंत थे। वह एक मुखर नेता थे जिन्होंने भारत में स्थायी योगदान दिया। उनका निधन बहुत
दुखद है। प्रधानमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि जिंदगी से भरपूर चुटिले जेटली जी को हर स्तर के लोग पसंद करते थे। जेटली के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए राजनीति में उनके योगदान को याद किया। राजनाथ सिंह ने लिखा है, अरुण जेटली जी के रूप में एक दोस्त और बेहद महत्वपूर्ण साथी खोकर बेहद दुख में हूँ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर कर अरुण जेटली के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। जेटली जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षों तक प्राप्त होता रहा है। कांग्रेस के ऊपर से नीचे तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय या मध्य प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसके लिए भोपाल से दिल्ली तक मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। 370 के मसले पर सिंधिया के केंद्र सरकार समर्थक बयान से सिंधिया कांग्रेस के भीतर थोड़ा सा संदिग्ध हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाकी गुट सिंधिया को नापसंद कर रहे हैं। इस बीच जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो उनके गुट ने इस पर कोई खास खुशी जाहिर नहीं की। सिंधिया गुट की मंत्री इमरती देवी ने तो साफ कहा, महाराष्ट्र में कौन पूछेगा सिंधिया को। इस बयान से साफ है सिंधिया समर्थक कांग्रेस के फैसले से खुश नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकती है, महाराज जाने और उनकी सरकार जाने, राहुल गांधी जी जाने, मैं तो इससे खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं है कि जिम्मेवारी देना है तो मध्य प्रदेश की दे, तब जिम्मेवारी मानी जाएगी, को पूछ रहा उधर। सिंधिया समर्थक कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसा कोई फैसला नहीं होने देंगे जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबतों का सबब बने। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ की इच्छा है कोई आम सा व्यक्ति पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए जिससे सत्ता के दो केंद्र ना बने। सिंधिया समर्थक मंत्री कमलनाथ के लिए गाहे बगाहे मुश्किल खड़ी करते रहते हैं। एमपी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट इस समय इस प्रयास में लगे हैं कि सिंधिया बड़े नेता हैं और उनसे राष्ट्रीय स्तर के काम करवाने चाहिए। महाराष्ट्र का जो स्क्रीनिंग कमेटी है तो चेयरमैन बहुत ही जिम्मेदार पद है, क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई और पूरा महाराष्ट्र, और वहाँ अगर कांग्रेस ठीक करेगी चुनाव में सरकार बनती है तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज पूरे देश के अंदर चेंज का वातावरण शुरू हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री जितने भी हैं वहाँ हैं, जो कभी वहाँ है निवेश वहाँ से आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये सरकार भी केंद्र में चल रही है, ये इससे उद्योग होती है और निवेश करता पड़ता है, जो ये चेंज करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पूरी स्क्रीन कमेटी के चेयरमैन सिंधिया जी जाएगी, जो कि एक अनुभवी नेता है कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता है, और नेता के साथ कांग्रेस की सफाई भी है, और दिग्विजय सिंह खेमे से जनसंपर्क मंत्री बनाए गए पीसी शर्मा का कहना है, महाराष्ट्र एक आर्थिक स्टेट है, देश की ऐसी जगह पर चुनाव लड़वाने के लिए बड़े और जानकार नेता की जरूरत है, इसीलिए सिंधिया जी को यह जिम्मेदारी दी है। मतलब साफ है कि सिंधिया जैसा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति से जितना दूर रहे बाकी गुटों के नेताओं के लिए उतना लाभ है। इसीलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में छोड़ सिंधिया गुट कोई नेता उन्हें लोकल राजनीति में आने नहीं देना चाहता। अब सिंधिया खेमे के लोग कुछ भी बोले, फिलहाल तो एमपी में कमलनाथ गुट का पल्ला भारी है। भारी बारिश के चलते भोपाल की लाइफलाइन कहलाने वाला बड़ा तालाब एक बार फिर लबालब हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते तालाब में पानी आने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए नगर निगम ने भदभदा डैम के दो गेट आज सुबह 7 बजे खोल दिए। वहीं कलियासोत डैम के कैचमेंट एरिया में भी पानी पूरी रात गिरता रहा जिससे कलियासोत डैम भी लबालब हो गया। इसके चलते जल संसाधन विभाग को कलियासोत डैम के एक गेट खोलना पड़ा और भदभदा के दो गेट खोलने पड़े। अधिकारियों का कहना है कि 7 से 8 घंटे तक दोनों डैमों के गेट खुले रहेंगे। शहर में शुक्रवार सुबह तक ही सामान्य से 35 सेंटीमीटर अधिक बारिश हो चुकी है।
शुक्रवार शाम को अचानक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ ही मूसलाधार बारिश हुई थी। लगभग एक घंटे पड़ी तेज बौछारों के दौरान करीब 1.5 सेंटीमीटर पानी गिरा, जिससे तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया। शाहपुर तहसील के भौरा के पास सूखी नदी में बाढ़ के कारण पुल पर पानी आ गया है। धार और भौरा के पास वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। बारिश लगातार जारी रहने के कारण शाहपुर में भी माशना नदी का पानी पुल पर है। इससे शाहपुर और बैतूल के बीच भी सड़क संपर्क बंद सा है। बैतूल जिले में इस सीजन में अब तक 718 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जिले के आमला ब्लॉक में तेज बारिश हो रही है। इलाके की सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति है। आमला से खानापुर मार्ग पर कुड़मुड़ नदी में बाढ़ से पुल बना रही कंपनी की मशीनें डूब गई हैं। पुल के पास गिट्टी से भरा खड़ा डंपर भी पानी अधिक आ जाने से फंस गया है। मध्य प्रदेश की ये दो तस्वीरें आपकी रूह को हिला कर रख देंगी। इन दोनों दृश्यों को देखिए। ये दृश्य हमारे हुक्मरानों के चमकते चेहरे पर कालिक जैसे नजर आएंगे। कहने भर को तो ये सिर्फ दो शवों की दास्तान है, लेकिन हकीकत में ये हमारे नकारा हो चुके सिस्टम के शव हैं। मध्य प्रदेश में आम लोगों की मजबूरी की तस्वीर एसी दफ्तरों में बैठने वाले नेताओं और अधिकारियों को समझ नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों को बहुत उम्मीदें जागी थी, लेकिन वे उम्मीदें अब नाउम्मीदी के अंधेरे में समा रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, हमारे यहाँ शवों को सम्मान देने का चलन है, लेकिन ये क्या आपके बदलते मध्य प्रदेश में इस तरफ आपका और आपके सलाहकारों का ध्यान ही नहीं है। चलिए ध्यान हम दिलवाते हैं। गौर से देखिए, बाइक पर कोई तफरी करने नहीं जा रहा। बाइक पर जैसे तैसे एक शव को ले जाने की कोशिश हो रही है। ये रूह हिला देने वाला वाक्या सागर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का है। ये अस्पताल अपनी कारगुजारियों से हमेशा चर्चा में रहता है। आदिवासी वृद्ध महिला कपूरी बाई की मौत हो जाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन मौजूद नहीं था। अधिकारियों से इस बारे में कहा गया तो उनका जवाब था शव वाहन नहीं है, तो हम क्या करें, जैसे इन्हें लाए थे वैसे ही ले जाओ। बस गरीब आदिवासी अपने बुजुर्ग के शव को बाइक पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। ये कोई एक मामला नहीं है, कई जगह ऐसा हो रहा है, पर सरकार आप हैं कि ऐसा कड़वा सच देखना चाहते ही नहीं हैं। ये दूसरा दृश्य छतरपुर के बक्सवाह का है। जब यहां भी स्वास्थ्य केंद्र पर शव वाहन नहीं मिला तो लोगों को स्ट्रेचर पर ही शव को ले जाना पड़ा। मृतक के परिजनों ने अधिकारियों से शव वाहन का प्रबंध करने को कहा तो अधिकारियों ने साफ कह दिया यह असंभव है। ऐसे में परिजनों को मजबूरन स्ट्रेचर को अपने कंधे पर लाद कर शव को घर तक ले जाना पड़ा। फांसी लगा के खत्म हो गया, शव वाहन नहीं है, ऐसा क्यों ले जा रहे हो? तो आप क्या करें साहब? तो शव वाहन के लिए आपने बोला नहीं? बोला है साहब से। क्या कह रहे हो? बोले कि है ही नहीं। एक्चुअली जीएससी बक्सवाहा में कहीं भी अपने ब्लॉक में शव वाहन नहीं है, और यहाँ पर एक्चुअली नगर पालिका को शव वाहन की व्यवस्था करनी चाहिए, और यहाँ पर है नहीं है। अभी हम यहाँ सीनियर अधिकारियों को अपने अवगत करा चुके हैं रेगुलर, पर अभी तक व्यवस्था हो नहीं पाई है। संजीव अहिरवार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जब शव को घर ले जाने के लिए परिजनों ने वाहन मांगा तो स्वास्थ्य विभाग ने मना कर दिया। शव वाहन नहीं होने से परिजनों को शव को स्ट्रेचर पर रखकर मजबूरन कंधे पर लाद कर स्वास्थ्य केंद्र से अपने घर तक ले जाना पड़ा। ये दोनों दृश्य मानवता को शर्मसार करने और आपके विकास के वादे के आईने दिखाने के लिए पर्याप्त है। हुक्मरानों कुछ ऐसा कीजिए कि मध्य प्रदेश की यह तस्वीर बदली जाए और आपको खुद अपनी पीठ ना थपथपानी पड़े। बिलासपुर से पेंड्रा जा रही पुष्पराज ट्रेवल्स की बस में अचानक आग लग गई। आग उस वक्त लगी जब बस शहर के बीच स्थित नेहरू चौक बिलासपुर पहुंची। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग बस में शॉर्ट सर्किट होने से लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इससे पहले बस में आग लगते ही हंगामा मच गया और यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यात्रियों ने बस से कूदने से एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि बस का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया जा रहा था, जिस कारण यह घटना घटित हुई। सीहोर जिले की आष्टा तहसील के ग्राम पंचायत जाता खेड़ा अंतर्गत आने वाले
बाऊपुरा गांव के निवासी शमशान घाट नहीं होने के कारण बहुत परेशान हैं। शमशान घाट नहीं होने के कारण गांव में किसी भी मृत्यु होने पर खेतों में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। वहीं बारिश में मृत्यु होने पर ग्रामीणों को गांव से 5 किलोमीटर दूर आष्ठा शहर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीण वासी पार्वती बाई कुशवाहा का दाह संस्कार करने गाँव से बाहर दूर शहर के मुक्तिधाम में आए थे। मुक्तिधाम में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोई शमशान नहीं है और गांव के पास खेत पर दाह संस्कार करते हैं, लेकिन बारिश में खेतों में फसल बोई जाती है, वहां तार बांध दिए जाते हैं, ऐसे में शव को आष्ठा लाना पड़ता है। गांव में शमशान का ठिकाना नहीं है साहब हमारे यहाँ। वो गांव में जगह पक्की भी नहीं बनी, ना कोई चबूतरा है और ना कोई जगह का भी निश्चित है, उसमें शमशान घाट नहीं है। वो तो पट्टे की जगह में ही करते थे पहले से, और अब वहाँ दूसरों ने खेत बना लिए जिनकी ज़मीन है उनने। नहीं, स्वीकृत है, 2 एकड़ ज़मीन स्वीकृत है, लेकिन उस पर कोई सरपंच वगैरह कोई ध्यान नहीं देते हैं उस पर। कई बार तहसीलदार साहब कने भी गए, SDM साहब कने भी किया, उनने आश्वासन दे के हमें वापस कर दिए। गर्मी में तो जला देते हैं और जो बारिश में समस्या है वो हल फिर यहाँ पर आष्टे लाना पड़ता और दिक्कत आती है, और गांव का भी कोशिश नहीं कर रहे हैं उसी बात पे, नहीं सुनते हैं। हम भी जाते हैं, दरखास्त भी देते हैं। गांव में शमशान की सही जगह कौन सी है किसी को पता नहीं। नेताओं और अधिकारियों से कई बार ग्रामीण अपनी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पहले लोग जहां अंतिम संस्कार करते थे, अब वहां तक जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। सर, जो हमारा रास्ता मेन रास्ता है, जो आज यहाँ पे तार फेंसिंग कर दिया हुआ है, ये खेत पूरा कम्प्लीट इसको फाड़ दिया इन्हें। यहाँ पे जो भीड़ पड़ी थी, जो रास्ता था वो बंद कर दिया, और इसके बाद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और ये अभी तो हरी फसल है, अगर सूखी फसल होती है तो हमारे साथ समस्या होती है कि उसको कहाँ जलाएं। वहाँ पर हमारा जो खंभा दिख रहा है वहाँ पे हम जलाते हैं वहाँ पे। इसके बाद अगर इस टाइम पर कोई किसी की कंडीशन का कोई भरोसा नहीं कब किस टाइम हो जाए वो कंडीशन, लेकिन अभी हरी फसल है, इसके बाद जो सूखी फसल होगी तो उसमें इंसान कहाँ जलाएगा। हमारे यहाँ मसान की कोई व्यवस्था नहीं है। हम किसी से ये नहीं चाहते कि तुम ऐसा करके दो कि वैसा करके दो, हमें सिर्फ हमारा रास्ता और हमारा मसान बना दे कम्प्लीट, ताकि हमारी ये समस्या खत्म हो जाए। ऐसे में बारिश में अंतिम संस्कार गांव से दूर शहर के मुक्तिधाम में किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपने पूर्वजों के समय से यहां दाह संस्कार करते आए हैं, लेकिन अब कुछ बीते वर्षों से यह दाह संस्कार करने में परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट का ये स्कीम में ही शामिल है कि हर एक गाँव में मरघट शमशान घाट का निर्माण कराएंगे। यथासंभव वहाँ मरघट तो होगा, मैं दिखवाता हूँ वो यहाँ क्यों लेके आए हैं। अगर मरघट पे कोई अतिक्रमण वगैरह की कोई शिकायत अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुई है, अगर वहाँ अतिक्रमण वगैरह भी होगा तो मैं उसको भी हटवाऊंगा। नहीं, अगर शमशान घाट है तो हम तो अतिक्रमण पूरा मुक्त करा के उसको वहीं शमशान घाट का निर्माण करवाएंगे। छतरपुर में जमीनी विवाद पर 4 लोगों ने फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना बमीठा थाने के कुंडन की है, जहां रिश्ते के चचेरे भाई की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। भाइयों ने पहले मिजाजी लाल पटेल की बाइक में ट्रैक्टर से टक्कर मारी, और जब वह इन लोगों से बचने के लिए किसी के घर में घुस गया तो इन 4 सगे भाइयों बबलू, नंदलाल, दशरथ और अच्छे लाल ने अपने चचेरे भाई को पीट पीट कर अधमरा कर छोड़ दिया। गाँव के लोग और परिजन जब मिजाजी को जिला अस्पताल ले जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। भाई हमारा ट्रैक्टर में पटते है, और फिर भगवत ऐसा से दूसरी के घर में बैठ रहा हो तो चलो पकड़ के लगा है, वो चिल्लानों से फिर हम और भागे, और भी उन्हें मोटरसाइकिल पे धरो और ले गए। वो जमीन हड़प कर रही है, सो हम केस लड़ रहे हैं, तो केस जान जाने के अब इनके पक्ष में आ रहा हूँ। तुम्हारे भाई ने मार डाला, पूजा वूजा का सामान लेके घर जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने पहले ट्रैक्टर से इसको गिरा दिया मिजाजी पटेल को, फिर गिरा दिया, फिर ले गए घर में घुस गए, घर से निकाल के ले गए खेत में, इन लोगों ने मारा और बस फेंक गए। फिर गांव के लोग भागे, बस छोड़ छाड़ के भाग गए। उनका नाम अच्छे लाल, बबलू, दशरथ, नंदलाल। जमीन की रंजस थी पहले, इनकी जमीन पहले हड़प। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से मिजाजी की जमीन हथियाली थी, जिसका केस अदालत में चल रहा है। इसी रंजिश की वजह से आरोपियों ने मिजाजी की हत्या कर दी है। वहीं पुलिस ने मिजाजी की मौत पर मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। मिजाजी पटेल को गांव के जो उनके विरोधी थे, उन्होंने ट्रैक्टर से टक्कर मार दी थी मोटरसाइकिल में, और उनके साथ मारपीट करना बता रहे हैं। अभी इस पर मर्ग कायम हुआ है, जांच है, और जांच के बाद जैसी स्थिति होगी
प्रकरण पंजीबद्ध होगा, प्रकरण पंजीबद्ध होने की स्थिति में होगा जो भी। ग्वालियर के कमला राजा बाल एवं महिला चिकित्सालय में एक गर्भवती महिला की बच्चे समेत मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रीति शाक्या नामक महिला को उसके परिजनों ने शाम को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था, जिसकी सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, साथ में उसका बच्चा भी मर गया। मृतिका प्रीति की सास ने आरोप लगाया है कि जब उसने भर्ती कराया था तब जच्चा और बच्चा दोनों ठीक थे, रात को तेज दर्द उठा और तो मैंने मिन्नतें की, जिसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। सुबह 5 बजे करीब बहू बेहोश होने लगी तो फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके थोड़ी देर बाद बच्चा पेट में ही मर गया और फिर थोड़ी देर बाद बहू की भी मौत हो गई। अच्छी वाली लाई थी शाम को मैं, तो मैंने बत्ती करी, इन्हें पाल लई, पाल कोई गलत नंबर आई मुँह पे फेंक दई। मैंने कही भैया से मेरे को गलत नंबर बता दो, मैंने पर उन्होंने कही दूसरे बनवा के ले, हम दूसरे बनवा के ले आए। तो सवेरे में 5 बजे के बाद में जे थोड़ी गुम सी और लगी, मैंने मैडम जी क्या हो रहा है, अरे कोई नहीं उन्होंने उसी लगा दिया कि बच्चा धड़कन लगी लगा दिया। तो इन्होंने कही कि अब तो सांस चल रही इसकी, अब मैं बच्चा निकाल दूंगी आराम है इसको, और बच्चा मच्छर का समय, और मैं से कह रही बच्चा अच्छा है, मैंने कहा ठीक है, हाँ दोनों खत्म हो गए। आरोप जी है कि उन्हें मेरे पर उन्हें बताया नहीं, लाइन परवाही कर दी। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर शव को पीएम के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि यदि परिजन शिकायत करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमें इसके बारे में जानकारी है नहीं है, अंडर डायल पे सूचना आई थी कि कमला राजा में एक महिला एक्सपायर हो गई है डिलीवरी के समय, बच्चा और महिला दोनों हो गई है। नहीं हमारे सामने कोई आरोप नहीं, नहीं वो तो परिजनों के बताओ, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। आपको क्या बोला है? हमको तो ये बताया था महिला और वो इलाज के दौरान एक्सपायर, आरोप लगाया उन्होंने किसी? नहीं नहीं हमारे कोई आरोप नहीं, हम तो बॉडी जेड हाउस भिजवाएंगे, उसके बाद जो अधिकारियों से मिले थाने जाए कार्रवाई। सुकमा के देवरपल्ली गाँव के मुख्य मार्ग पर नक्सलियों ने 10 किलो वजनी प्रेशर कुकर IED बम किया गया था, जिसे जवानों ने बरामद कर नष्ट कर दिया है। एक बार फिर नक्सलियों की चाल को जवानों ने नाकामयाब किया। जवानों के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस बम की बरामदी की गई है। बताया जा रहा है कि बम को जमीन में ज्यादा नीचे तक नहीं रखा गया था, बम विस्फोट कर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। शहर को स्वच्छ रखने के लिए निगम ग्रीन गणेश अभियान चलाएगा। इस अभियान में पर्व के दौरान शहर में फैलने वाले कचरे और अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम की जाएगी और स्वच्छ गणेश पंडालों को इनाम भी दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद शुरू हो रहे दुर्गा और गणेश उत्सव को लेकर शहर को साफ सुथरा रखने नगर निगम ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। भोपाल नगर निगम आयुक्त बी विजय दत्त ने कहा कि पर्व के दौरान शहर में फैलने वाले कचरे और अपशिष्ट पदार्थ की रोकथाम के लिए नगर निगम ग्रीन गणेश पहल की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें स्वच्छ पंडाल के तहत प्रतियोगिता का प्रावधान है और इसमें स्वच्छता रखने वाले पंडालों को इनाम भी दिया जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय को 51,000, 21,000 और 11,000 के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। शहर के प्रमुख घाटों पर साफ सफाई, क्रेन, नाव और पर्याप्त बिजली व्यवस्था के साथ पंडालों से उत्सर्जित पूजा सामग्री को एकत्रित किया जाएगा। शहर स्वच्छ और साफ रहे, इसके लिए विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। इको फ्रेंडली गणेशा और जो ग्रीन गणेशा का जो मूवमेंट है वो नगर निगम अपनी तरफ से शुरू कर रहा है। इसमें आप सभी का सपोर्ट और जितने भोपाल के वासी हैं उन सभी से अपील नगर निगम यह जारी कर रहा है कि जो भी हम लोग गणेश उत्सव करें उसको एक इको फ्रेंडली तरीके से करें और ये पूरा उत्सव इस तरह का हो जिससे किसी तरह का प्रदूषण, किसी तरह की गंदगी ना फैले, और ख़ास करके गणेश की जो हम मूर्तियाँ लेंगे हम सभी की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इको फ्रेंडली और ग्रीन ही यूज़ करें। ग्रीन से मतलब हमारा रंग का नहीं है, ग्रीन से मतलब हमारा यही है कि जो POP प्लास्टिक मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं और जो हार्मफुल केमिकल्स और पेंट्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ ना करें। संत हिरदाराम नगर में विभिन्न संस्थानों ने कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। शैक्षणिक संस्था दीपमाला पगरानी संस्कार पब्लिक स्कूल में भी जन्माष्टमी पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भगवान श्री कृष्ण राधा की वेशभूषा में नजर आए। यहाँ कृष्ण स्वरूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। स्कूल में रंगोली, ग्रीटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मटकी सजाओ प्रतियोगिता एवं भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। नवयुवक सभा सांसद द्वारा जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की महाआरती का भी आयोजन किया गया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बधाई दी।
आज नवयुग सभा ने हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े आनंद से खुशी के साथ मनाया। मैं इस अवसर पर संत नगर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना कि वह सबका कल्याण करे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर में पत्नी साधना सिंह के साथ भजन कीर्तन कर कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी ने शिवराज के साथ भजन कीर्तन कर भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। भोपाल के बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में यादव समाज द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती की गई और भजन का आयोजन किया गया। आयोजन में सभी भक्त भजनों पर झूमते नजर आए। मंदिर में जहां बच्चे भगवान श्री कृष्ण के रूप में नजर आए, वहीं बच्चियों ने राधा की पोशाक पहनी। आयोजन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जगह जगह हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगते रहे। श्री कृष्ण की मूर्ति को पालकी में बिठाकर घुमाया गया।